सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। कराने में कितना समय लगेगा? करीबन आधा घंटा से एक घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि जो एंटीजन टेस्ट होता है, हालांकि उसके बारे में डॉक्टर उसी समय बता सकते हैं उसके 10-15 मिनट के अंदर कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो रिपोर्ट का वेट किया जाता है तो उसमें जो है आधा से एक घंटे का वक्त लगता है। इससे पहले जब हमने बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने समेत तमाम गंभीर आरोप थे, जिस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे लगातार पूछताछ कर रहा था। रिया को गिरफ्तार करने के बाद अब उनका मेडिकल टेस्ट और कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जी हाँ, एक सूत्र से हमें ये जानकारी भी मिली है कि रिया को आज शाम 7:30 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। हालांकि पूरे 3 दिन तक चली पूछताछ के बाद आज पूरी संभावना इस बात की भी है कि एनसीबी रिया की कोर्ट से रिमांड नहीं मांगेगा। जी हाँ, पिछले 3 दिन से एनसीबी जो है रिया से पूछताछ कर रहा था। आपको पता ही है एनसीबी को लगता है कि पिछले 3 दिन में जो जानकारी रिया ने दी है वो काफ़ी है, इसलिए अब आगे पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। एनसीबी के ऐसा करने पर क्या होगा वो आपको बताते हैं। ये कोर्ट अपनी तरफ से ही ज्यूडिशियल कस्टडी तय करेगा और हो सकता है कि उसके बाद रिया के वकील जो हैं सतीश मान शिंदे जमानत की अर्जी भी लगा सकते हैं। जी हां, और इस केस में जमानत उन्हें मिल सकती है क्योंकि अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। एनसीबी ने पहले दिन रिया चक्रवर्ती से पहले दिन तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की थी, दूसरे दिन रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली, और फिर आज तीसरे दिन 3 घंटे तक चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। और आपने देखा उस वीडियो में कि वो हाथ हिलाती हुई खुशी के साथ वो जा रही थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। हालांकि ये गिरफ्तारी ड्रग पेडलिंग मामले में है। जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल अब तक जैसे का तैसा ही खड़ा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये गिरफ्तारी सुशांत सिंह की मौत को लेकर हुई है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का इंतजार फैंस पिछले काफ़ी वक्त से कर रहे थे। माना जा रहा था कि रिया की गिरफ्तारी पहले सीबीआई द्वारा की जाएगी, लेकिन इस केस में ड्रग एंगल आने के बाद से इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई थी, जिसमें पहले ड्रग खरीदने के मामले में रिया के भाई शोविक को पकड़ा गया था, और उसके बाद ये पूरी जो मामला है वो रिया के ऊपर आकर रुका और उसके बाद रिया की गिरफ्तारी कर ली गई। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ड्रग्स से रिलेटेड इस मामले को सुशांत की मौत की तह तक कैसे पहुंचाया जाएगा। मालूम हो कि रिया चक्रवर्ती ने आपको एक इंटरव्यू में जो है वो बताया था कि ड्रग्स लेने की बात से उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया था एक चैनल के इंटरव्यू में। हालांकि एनसीबी के साथ खड़ी पूछताछ में उन्होंने तमाम नए राजों से पर्दाफाश किया। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे तमाम राज हम आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।